और मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडल प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बीजेपी उत्तराखंड ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी समेत बीजेपी नेता ऋषिपाल बलियान ने शिरकत की है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसा बताया है, जो कि निंदनीय है। इंडिया गठबंधन को आपको पता है एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किसने नाम रखा था इंडिया, आपको पता है वो विदेशी नाम है। हमारा नाम भारत है, माँ भारती है, जिसमें हम रहते भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो वो तो आपको सब पता ही है, भारत है, इंडिया कोई नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया बहुत गलत किया उन्होंने। और दूसरी विषय है सनातन धर्म हमेशा हमारा मजबूत है, कितने आक्रांताए कभी हमारा सनातन धर्म कमजोर नहीं हुआ, हम लोगों ने सनातन धर्म के लिए हर तरह से